घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ पेयजल व सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पानी की समस्या के स्थायी समाधान का प्रयास जारी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी क्षेत्र के उत्थान व कल्याण की दिशा में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ पेयजल व सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पानी की समस्या के स्थायी समाधान का प्रयास जारी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी क्षेत्र के उत्थान व कल्याण की दिशा में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये बात विधायक राजेंद्र गर्ग ने पंचायत लेहड़ी सरेल में 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले युवक मंडल जोल के भवन के शिलान्यास और 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित महिला मंडल बहेड़ा के भवन का विधिवत उद्घाटन कर समर्पित करने के बाद गांव जोल में जनता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास के पहिए को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रभावशाली नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 2 साल का कामकाज बेमिसाल रहा। सरकार ने हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनमंच कार्यक्रम हो या अथवा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 हो या युवाओं को रोजगार के अवसर देने को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।